नमस्कार दोस्तों, मैं पप्पू सर आपके अपने यूट्यूब चैनल पप्पू स्पोर्ट्स क्लब में स्वागत है। अभी का ब्रेकिंग न्यूज निकल के आ रही है, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख ही रहे हैं। इस वीडियो में विदेशी एएनएम 10709 पोस्ट के रिगार्डिंग बात करने वाले हैं। आज के डेट में स्वास्थ्य विभाग की तरफ से, विदेशी आयोग की तरफ से, पटना हाईकोर्ट की तरफ से विदेशी एएनएम 10709 पोस्ट के रिगार्डिंग जो भी अपडेट निकल के आ रही है, इस वीडियो में सारी जानकारी वन बाय वन करके डिटेल्स में बात करने वाले हैं। इसलिए यह वीडियो उन सभी स्टूडेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। विदेशी एएनएम 10709 पोस्ट का फॉर्म भरे और चाहते हैं काउंसलिंग के आधार पर यह वैकेंसी क्लियर हो, तो बिना स्किप के वीडियो को पूरा देखिएगा। साथ ही साथ यह वीडियो उन सभी स्टूडेंट के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है जो स्वास्थ्य विभाग में न्यू वैकेंसी आने का इंतजार कर रहे हैं, जैसे फार्मासिस्ट, ओटी, ईजीसीएक्स या टेक्नीशियन, एएनएम, जीएनएम, पैरामेडिकल और डेसर की न्यू वैकेंसी आने का इंतजार कर रहे हैं। तो बिना स्किप के वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में सारी जानकारी वन बाय वन करके डिटेल्स में बात करने वाले हैं। कल जो मीटिंग हुआ था और मंगल पांडे जी स्वास्थ्य विभाग के साथ और विदेशी आयोग के साथ जो मीटिंग किए थे, तो मीटिंग के दौरान न्यू वैकेंसी पुरानी वैकेंसी पर जो बातचीत हुई है, बातचीत के दौरान जो अपडेट निकल के आ रही है, सारी जानकारी वन बाय वन करके इस वीडियो में डिटेल्स में बात करने वाले हैं। इससे पहले हमारे चैनल पर अपने चैनल को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन ऑन करिएगा डेली बेसिस से सही वीडियो पाने के लिए। दोस्तों वीडियो बने रहिए, चलिए बिना समय गवाए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं और सारी जानकारी वन बाय वन करके डिटेल्स में बता रहे हैं। आप लोग वीडियो में बने रहिए। तो दोस्तों नाइट में भी हम आपको बता दिए थे, जो कल मंगल पांडे जी स्वास्थ्य विभाग के साथ और विदेशी आयोग के साथ मीटिंग किए थे, और मीटिंग के दौरान मीटिंग का पर्पस यही था, जो 2 अप्रैल को सुनवाई हुई थी पटना हाईकोर्ट में, तो आयोग की तरफ से क्या सबूत पेश किया गया था और क्या क्या हुआ था, 2 अप्रैल को क्या क्या अपडेट निकल के आई, हर चीज़ है उसी को लेके मीटिंग हुआ था। दूसरी बात है, न्यू वैकेंसी को लेकर भी मीटिंग हुई थी, तो वहाँ भी पॉजिटिव ही बात निकल के आई, क्योंकि मंगल पांडे जी पहले भी बोल दिए थे एलपीए क्लियर होगा, उसके बाद हम वैकेंसी को क्लियर कर देंगे। तो फिगर तो स्पष्ट है, आप तो देख ही रहे फिगर स्पष्ट है। उसके बाद न्यू वैकेंसी के बारे में भी बोले हैं, जो न्यू वैकेंसी बहुत जल्द हम निकाल रहे हैं, ठीक है। और कल हम आपको एक सुबह सुबह एक वीडियो बना के दिए थे, जो सभी बीएससी में आपको 3 डाटा एंट्री ऑपरेटर को बहाल करना है, उसमें भी हम आपको बताए थे जो उर्मिला कंपनी है उसके माध्यम से, आउटसोर्सिंग के माध्यम से सभी बीएससी बिहार के 3800 जिला में डाटा एंट्री ऑपरेटर की बहाली आई है। और ये पुराना लेटर है, अभी का लेटर नहीं, बहुत पुराना लेटर है और अभी तक बहाल नहीं हो पाई है, इसलिए फिर से लेटर जारी किया गया। और अभी न्यू वैकेंसी जैसे आपको फार्मासिस्ट, ओटी, ईजीसीएक्स, टेक्नीशियन, एएनएम, जीएनएम, पैरामेडिकल, डेसर के न्यू वैकेंसी अभी नहीं आई है, जैसे ही वैकेंसी आएगा हम अलग से आपको वीडियो बना के अपडेट कर देंगे। अब बात करते हैं बीटीसी एएनएम 10709 पोस्ट के रिगार्डिंग क्या अपडेट निकल के आ रही है। दोस्तों अपडेट अभी यही निकल के आ रही है, जो नेक्स्ट हेयरिंग डेट आपको 9 अप्रैल है और सभी लोग 9 अप्रैल के हेयरिंग डेट में लगे हुए हैं, जो 9 अप्रैल को और स्पष्ट रूप से जो है मंगल पांडे जी स्वास्थ्य विभाग के साथ और विदेशी आयोग के साथ जो बैठक की है उसमें सख्त आदेश दिए, फटकार भी लगा, समझे, अब समझ रहे फटकार क्या लगा। और पीके साई जी है जो आयोग की तरफ से केस लड़ रहे हैं, आपको भी पता होना चाहिए, तो आप सबूत ही दिखाएंगे, आप सबूत ही दिखाएंगे कोर्ट में, तभी तो आपकी बात माना जाएगा और रखा जाएगा। अब सबूत नहीं दिखा देंगे तो आपके जज्बात पर फैसला नहीं होता। और बहुत सारे लोग हम बोल रहे हैं, जब हम हाईकोर्ट जाएंगे, हाईकोर्ट में तो हम लोग हैं, मतलब सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, तो हाईकोर्ट में एक केस रजिस्टर नहीं होता, लोग सुप्रीम कोर्ट जाने की बात करते हैं, समझे कि नहीं। आप खुद देख रहे हैं जो सरकार यहाँ खुद परेशान है, सरकार स्टे चाक भी नहीं ले पा रहे, और बहुत सारे लोग बोल रहे हैं हम सुप्रीम कोर्ट जाएं, तो जाने दीजिए, कहीं से कोई आपत्ति नहीं है, समझे। 9 अप्रैल को सुनवाई होगा और स्पष्ट रूप से हम आपको बताना चाह रहे हैं, स्पष्ट रूप से जो हम लोग की जीत होगी, सारे के सारे एविडेंस आयोग के खिलाफ, जो भी कोई कुछ बता रहा है आपको उस पर बिलीव नहीं करना, आपको विश्वास नहीं करना। दूसरी बात है, जो हम ही लोग को टीम को तोड़ने का फिराक में बहुत सारे लोग हैं, आप देख ही रहे हैं, जो सुरजीत सर को फ़ोन करके बताया जा रहा है ऐसे ऐसे बात है, समझे कि नहीं। तो आपको घबराने की आवश्यकता नहीं, आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं, 9 अप्रैल को 100% हम लोग की जीत होगी, समझे। दूसरी बात, एक बीच में बात ये आ जाता है, जो भी अभी तक सहयोग राशि नहीं किया है लोग, सहयोग राशि समझे जमा कीजिए, क्योंकि सहयोग राशि नहीं दे पाइएगा तो थोड़ा दिक्कत है, क्योंकि मौली सर का भी पेमेंट नहीं मिल पा, ठीक है, सभी पेमेंट नहीं दिया गया है, समझे। तो मौली सर को पेमेंट भी देना है, सभी के सभी पेमेंट उनको देना है, तो इसके लिए आप लोग सहयोग करना पड़ेगा, जो भी सहयोग राशि है आप लोग जो है
ग्रुप में मैसेज भी किया जा रहा है, चेक किया जा रहा है, उस पर आपको ध्यान देना है। वीडियो डिस्क्रिप्शन में भी हम आपको लिंक दे दिए और मेरा व्हाट्सअप नंबर सभी स्टूडेंट के पास है, समझे कि नहीं। तो आप लोग सहयोग राशि जो है जमा कर दीजिए ताकि स्व समय हम लोग मौली सर को पेमेंट दे दें, समझे। और आप लोग को टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं, परेशान होने की आवश्यकता नहीं। कल मीटिंग हुआ उसमें भी पॉजिटिव बात ही निकला और 2 अप्रैल को भी पॉजिटिव बात ही निकला, तो 90% केस सॉल्व हो चुका है और 9 अप्रैल को 10% बचा हुआ, उस दिन फाइनल हम लोग की जीत हो जाएगी। इसलिए आपको टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं, परेशान नहीं होना है। ये भाई आपके साथ है और ये भाई कराते हुए, ठीक है, आपके भाई कराते हुए नहीं कोई टीम को तोड़ सकता है, नहीं बच्चे हैं जो है 32,000 मान पे कोई आ सकता है। इसलिए आपको डरने की आवश्यकता नहीं, परेशान नहीं होना। हम लोग 12 बजे लाइव आते थे, डिटेल्स में हम लोग डिस्कस करने वाले, ठीक है। तो इसीलिए अभी जो भी अपडेट निकल के आई है न्यू वैकेंसी और पुरानी वैकेंसी की रिगार्डिंग हम आपको बता रहे हैं, और जिसको जहाँ जाना है जाने दीजिए, हमें कोई आपत्ति नहीं, किसी से कोई आपत्ति नहीं। कोई आपको आर्टिकल पढ़ा रहा है, कोई सुप्रीम कोर्ट जाने की बात कर रहा है, कोई कह रहा है जो सरकार का जो है नियमावली चेंज करने का अधिकार है, तो आप देख ही रहे, टोपी पहनाने वाला आपको टोपी ही पहनाएगा, इसके अलावा कुछ कर भी नहीं सकता। तो टोपी पहनाने दीजिए और जब मेरा वीडियो आता है तभी आप यूट्यूब ऑन कीजिए और मेरा वीडियो देखिए। जब हम लाइव आते हैं तभी आप लाइव आइए, उससे पहले आपको किसी का वीडियो देखना ही नहीं जो टोपी पहनाने का काम करता है, ठीक है। तो अभी जो अपडेट निकल के आई है, ये अपडेट हम आपके बीच शेयर किए, आई होप कि आप समझ गए होंगे। चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर और नोटिफिकेशन पर सेट कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के बीच शेयर कीजिए और अपने भाई के टारगेट को अचीव कीजिए, क्योंकि आप लोग टारगेट को अचीव करते तो लोगों को बोलने का मौका नहीं मिलता, बट आप लोग टारगेट को अचीव नहीं किए इसलिए लोगों को बोलने का मौका मिल गया। इसलिए जितना जल्दी हो सके, 4 हो गया कल तक, आप लोग टारगेट को अचीव कीजिए। थैंक यू।